नमस्कार जय जगन्नाथ दोस्तों। दोस्तों आधार कार्ड अपडेट करने के लिए जो डेडलाइन था 14 मार्च 2024, ये डेट अब निकल चुका है। अब आप लोगों की माइंड में तरह तरह की क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या अब आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, क्या हमारा आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों UIDAI के तरफ से आधार कार्ड को लेकर एक न्यू अपडेट जारी हुआ है। क्या है इस अपडेट, जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आधार कार्ड अपडेट है क्या, क्यों इतना जरूरी है। दोस्तों अगर आप लोगों की आधार कार्ड बनते हुए 10 साल हो चुका है और आप इस बीच में कोई भी डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया है, तो आप लोगों अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड में अपडेट करना होगा। इससे आप अपना आधार कार्ड की जानकारी को करंट और एक्यूरेट बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 10 साल काफी वक्त होते हैं, इन 10 साल से आपकी बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक में काफी कुछ चेंजेस हो सकता है। जैसे कि बायोमेट्रिक में आपकी अंगूठी के निशान, आंखों की आयरिस जैसे चीजें होते हैं और ये डिटेल्स एज बढ़ने के साथ बदलते रहते हैं, या फिर कोई दुर्घटना से ये चीजें बदल सकते हैं। इसी तरह से डेमोग्राफिक में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ जैसे चीजें होते हैं। मान लीजिए आपकी शादी हो गया है तो आपके एड्रेस चेंज हो जाता है, फिर अपना सरनेम हस्बैंड के सरनेम के साथ बदल दिया जाता है, या कहीं दूसरे जगह आप शिफ्ट हो जाते हैं तब आपके एड्रेस जो चेंज हो जाएगा, ये डेमोग्राफिक चेंज में आते हैं। अगर आप अपना आधार अपडेट करते हैं तो आपके आधार कार्ड की जानकारी सही और सटीक रहेगा। इससे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस, बैंक ट्रांजैक्शन या कोई ऑथेंटिकेशन में किसी भी प्रकार रुकावट नहीं आएगा। तो दोस्तों फ्री में आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए लास्ट डेट 14 मार्च तक था, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों ने किसी कारण की वजह से इस अपडेट को नहीं कर पाए। इस आवश्यकता को देख के UIDAI ने एक न्यू अपडेट जारी किया है। ये न्यू अपडेट के मुताबिक आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने का डेडलाइन 14 मार्च से एक्सटेंड करके 14 जून तक रखा गया है। अगर आप भी आधार डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं किया है तो 14 जून के अंदर फ्री में अपडेट कर लीजिए, नहीं तो पैन कार्ड आधार लिंक करने के लिए जैसे पहले फ्री में हो रहा था, फिर बाद में आपको 1000 तक पे करना पड़ा, उसी तरह से आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए चार्जेस भी लग सकता। तो दोस्तों अब अच्छे से समझ गए होंगे आधार अपडेट क्या है और क्यों इतना जरूरी है। अब देखते हैं ऑनलाइन आधार अपडेट कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, देन यहाँ पे सर्च करेंगे माई आधार और जो पहली वेबसाइट myaadhar.uidai.gov.in, आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन की इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इस बॉक्स में अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये जो कैप्चा है इस बॉक्स में एंटर करेंगे। दोस्तों कभी कभी ये कैप्चा हमें समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश करके चेंज भी कर पाएंगे। देन लॉगिन विद OTP पे क्लिक करेंगे। अब आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे UIDAI के तरफ से एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे रेड कलर का एक मैसेज दिखाई दे रहा है, योर आधार कार्ड नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक योर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना जरूरी है और आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे भी रेड कलर पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट अपडेट फ्री में करने के 14 जून तक डेट निर्धारित किया गया है। तो आप सिंपली इस डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आपको इस पेज में नेक्स्ट करना है। इसके बाद फिर से इस पेज को नेक्स्ट करेंगे, देन यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड की जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके बाद उसके नीचे वेरीफाई दैट अबव डिटेल्स आर करेक्ट, इसमें आप क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अपलोड करने से पहले गाइडलाइंस पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे लिखा है आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो उसकी साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी साइज 2 MB से ज्यादा हुआ तो ये अपलोड नहीं होगी। और आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगा, इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ ओके करना है। अब यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कर देंगे।
डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का पट्टी देखने को मिल जाएगा जो कि 100% लिखा है। इसका मतलब हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। देन नीचे उसी तरह से आपको एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसके लिए सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग टाइप पे क्लिक करेंगे, देन अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके करना है, देन व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू अपलोड पे क्लिक करना है, देन अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे भी ग्रीन कलर का एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, देन टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, देन यहाँ पे दिया है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून। यहाँ पे सिंपली नीचे आना है और सबमिट के इस ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको स्टेटस शो कर रहा है कि सक्सेस, यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट अपडेट एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अमाउंट पे 0 लिखा है, यानी कि अभी तो हम 14 जून तक फ्री में डॉक्यूमेंट अपडेशन कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में चार्जेस भी देना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं तो एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे और अपना स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। नया वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।